गुड मॉर्निंग माय लवली किड्स किड्स, चलिए पता है ना ये आपकी कौन सी क्लास है? ये है आपकी ईवीएस क्लास। और आपको बहुत ही अच्छे से पता है हम बार बार अब क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे? अवर फूड। ठीक है किड्स, आज हम अवर फूड जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी पेंसिल इरेजर पकड़िए और अपना फोर लाइन कॉपी ओपन करिए। तो अच्छा, पहले ये मुझे बताइए आप लोगों को क्या क्या पसंद है खाने में? सबको पसंद है कुछ भी? वेजिटेबल्स खाते हो कि नहीं? फ्रूट्स खाते हो कि नहीं? सारी चीजें खाना है। ठीक है किड्स, चलिए तो कौन कौन से फूड होते हैं बताइए थोड़ा सा। हम लोगों ने पढ़ा भी है, हाँ फिश होता है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बटर है, और जल्दी से बोलिए आप लोग सारी चीजें, ब्रेड जाम। अच्छा, ब्रेड जाम पसंद करते होगे? नहीं, मुझे लगता है सारी चीजें सब लोग आप लोग बहुत ही अच्छे से पसंद करते होंगे। कर्ड, वाटर, मिल्क, कर्ड मीन्स दही है ना, तो किड्स सारी चीजें खाया करो। मम्मा जो बनाती है ना बच्चों, सारी चीजें हमें खानी चाहिए, हमें नखरे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मा इतनी मेहनत से जो बनाती है ना आपके लिए, फैमिली के लिए, तो सारी चीजें खानी चाहिए और उससे हमें बहुत ताकत आएगा, हम स्ट्रांग बनेंगे। तो किड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर लिखना। आइए मैम के साथ अपनी पेंसिल पकड़ लीजिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आंसर हम बहुत बार रिपीट कर करके लिखेंगे ताकि हमको फटाफट वो आंसर स्पेलिंग के साथ भी याद हो और ओरली भी हम उसे बोल सके। जब हम कोई, जब मम्मा पूछे या कोई भी हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे तो हम उन्हें फटाफट आंसर दे दें। ठीक है किड्स, चलिए मैम के साथ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए किड्स लिखते हैं सबसे पहले रिविजन, आर ई वी आई एस आई ओ एन, रिविजन। चैप्टर का नेम क्या है किड्स? अवर फूड, ओ यू आर अवर, एफ डबल ओ डी फूड। ठीक है किड्स, आइए लिखते हैं। ए एन एस डब्ल्यू ई आर आंसर, टी एच ई द, F O L L O W I N G following, Q U E S T I O N S questions। ठीक है किड्स, आंसर द फॉलोइंग questions। क्वेश्चन नंबर किड्स वन, W H Y Y D O do, W E V N double E D need, F double O D food question mark, why do we need food? हमें food की जरूरत क्यों होती है? जिंदा रहने के लिए ना। तो आंसर लिखते हैं V W E V N double E D need, F double O D food, T O two L I V E live, फुल स्टॉप, वी नीड फूड टू लिव। फिर से लिखें किड्स, W E V N डबल E D नीड, F डबल O D फूड, T O टू L I V E live, वी नीड फूड टू लिव। फिर से किड्स, तो किड्स ऐसे ही फाइव टाइम देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स हो गया ना किड्स। आप लोग भी घर में फाइव टाइम्स लिखिएगा, ठीक है, यही आपका होमवर्क भी रहेगा। चलिए अब हम आते हैं साइड में क्वेश्चन नंबर टू, लिखते हैं एन ए एम ई नेम, एस ओ एम ई सम, एफ डबल ओ डी फूड, I T E M S items, name some food items, हमें food items लिखना है ना। ठीक है किड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम food items लिखना। आंसर लिखते हैं किड्स, कौन कौन से food items हमने लिखा था? राइस, R I C E राइस, V E G E T
VEGETABLES, vegetables, rice, vegetables, butter, 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 बटर के बाद क्या है लिखा था हम लोगों ने, किड्स, कर्ड, CURD, कर्ड, और कर्ड कर्ड के बाद लास्ट जल्दी से बोलिए मिल्क, MILK, मिल्क। किड्स आप फूड आइटम्स में और दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही लिखिए, आपको जो आता है आप लिखिएगा। फिर से चलिए लिखते हैं किड्स, RICE, राइस, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, BUTTER, बटर, CURD, कर्ड, MILK, मिल्क, राइस, वेजिटेबल्स, बटर, कर्ड, मिल्क। चलिए फिर से लिखते हैं, RICE, राइस, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, BUTTER, बटर, CURD, कर्ड, MILK, मिल्क। चलिए किड्स एक बार और, तो किड्स हो गया ना 5 times, 1, 2, 3, 4, 5 times, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट पेज में भी 5 times लिखना है, तभी रिवीजन होगा किड्स, और आपको पूरा स्पेलिंग के साथ सारे नेम भी याद हो जाएंगे फूड आइटम्स के ना किड्स, और यही आपका होमवर्क भी रहेगा। ओके किड्स, किड्स आप लोग अच्छे से लिखिएगा, अभी आप लोग स्टॉप मत करिएगा, मैम तो स्टॉप की है लेकिन आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको लिखते रहना है, ठीक है, जितनी आपको जितना हो सकता है, ऐसा नहीं बहुत बार लिखो, जितना आपसे हो आप उतना लिखो, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि आप मैम बार बार रिपीट करेगी और आगे भी रिपीट करूंगी बेटा, बच्चों के जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना अच्छे से आपको याद होगा और उतने अच्छे से आपको आंसर्स भी आ जाएंगे, ताकि जब एग्जाम आए तो आप लोग उस क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी इससे यस और नो बिल्कुल भी ना भूलो, और फटाफट उस आंसर को आप लोग लिखो, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।